आपकी दुर्दशा मैं देख नहीं पाता हूँ, आपको समय पर पेंशन मिलेगा, मुझे सिर्फ एक महीने का अवधि दे दीजिए, आपका पेंशन आपके हाथ में आ गया। मुझे बहुत खुशी है कि उस विश्वविद्यालय में एक महीने के भीतर नहीं 15 दिन के भीतर उनके हाथ में सभी पेंशन की बातें हाथ में रख दी। कितना अच्छा लगता होगा उन व्यक्ति को कि मेरे सब कागजात, मेरे सभी पैसे मेरे हाथ में आ गए। ऐसे कई सारे उदाहरण है यहां। निवृत्त होने के बाद उन व्यक्तियों का निधन हो चुका लेकिन पेंशन नहीं मिला। क्यों हम ऐसा करते हैं? उन्होंने मुझे बताया और मेरे सामने उन्होंने कागज रखे कि जिस विश्व में, नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, वहां के रजिस्ट्रार कहते हैं कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, इतने मिलने वाले हैं, मुझे कितने दोगे आप? मुझे ये बात सही है ना, ऐसा होता है ना? ये गर्व की बात है, शर्म की बात है? हम सबको शर्म आनी चाहिए। जिस विश्वविद्यालय में या कॉलेज में हमारे उस शिक्षक ने पूरा आयुष्य, पूरी जीवन, अपना पूरा जीवन वहां पढ़ाने में गवाया है, जो हमारे गुरु के प्रति है, उनको हम ऐसी पीड़ा देंगे? क्यों हम ऐसे सोचते हैं? अभी मैंने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्यालय के प्रो वीसी, सभी विश्वविद्यालयों के वीसी, उनको बताया है कि हमारे उस शिक्षक हो या शिक्षकेतर हो, उसको आप जरा बाद में करिए, बाद में करिए, जो शिक्षक हो या शिक्षकेतर कर्मचारी हो, जिस दिन वो निवृत्त होते हैं उस दिन उनके हाथ में पेंशन के पेपर्स होने चाहिए। एक दिन भी डिले नहीं, एक दिन का भी विलंब नहीं होना चाहिए। उस दिन उसके हाथ में वो सभी पेपर्स और पैसे होने चाहिए उनके बैंक के खाते में। कितने गर्व के साथ, खुशी के साथ वो अपने घर जाएगा? मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसा, क्योंकि हमारे एक साथी को हम इतनी पीड़ा दे रहे हैं, इतना दर्द दे रहे हैं। इस पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए पेंशन के जो मामले होते हैं, मैंने कुलपति जी को कहा भी था, उन्होंने मुझे लगता है लगभग सभी मामले यहां से क्लियर कर चुके हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे विषय आपने लेकर जब भी आते हैं तो सभी विषय सीनेट की बैठक में आने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप उनके कार्यालय में जाइए, यह सब विषय है यहां। कब तक इसको हम सुलझाएंगे, कब तक इसको हम पीछे रखेंगे? आपको अधिकार है पूछने का, अधिकार है आपको। अगर कुछ ऐसा होता नहीं तो मुझे आकर राजभवन में जाकर आकर मिलिए, बताइए मेरे सामने, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। मुझे लगता है ऐसे अनेक प्रमोशन की विषय, प्रमोशन का विषय ऐसा है कि जैसे यहां आपने पीड़ा आपने व्यक्त की, आप सभी ने, सही है, प्रमोशन जब मुझे मिलना चाहिए उसी दिन से मिलना चाहिए ना। मेरा प्रमोशन होता है उसी दिन से मेरे हाथ में प्रमोशन का पेपर हाथ में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो यहां बताया भी किसी ने और मैंने भी देखा भी है, वो क्यों केवल उसके प्रमोशन की नोटिफिकेशन नहीं आ गए, इसके कारण वो कहां अप्लाई नहीं कर सकता। प्रमोशन तो पिछले कई दिनों से हो चुका है, अनेक वर्षों से हो चुका है, लेकिन प्रमोशन का नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए वो वीसी के पद के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। प्रोफेसर क्या विडंबना है, प्रमोशन हो चुका है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हो चुका। नोटिफिकेशन तुरंत होने की आवश्यकता होती है। मैंने सभी वीसीज को कहा है इसके लिए डिले करने की आवश्यकता नहीं है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक तुरंत होनी चाहिए।
नोटिफिकेशन तुरंत आना चाहिए। अभी अगर आपका अनेक का मानना है कि प्रमोशन हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन क्यों, जिस दिन से प्रमोशन हुआ है उस दिन से उनको कर लीजिए ना। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है उस दिन से प्रमोशन को प्रोफेसर के उसकी नियुक्ति मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है। इसलिए मेरा आग्रह है, ठीक है उसको बदलना कब है, कब जाना वगैरह वो कर देंगे भी, लेकिन अभी आपको आपको प्रमोशन देने में क्या है, हरकत क्या है, दिक्कत क्या है? जिस व्यक्ति का प्रमोशन हो चुका है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं, आप सब लेकर आइए यहां, आप सब लेकर उनको उठाइए, कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनुकंपा का विषय है, अनुकंपा के विषय पर उनको उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, बहाली होनी चाहिए। हमारे कई विश्वविद्यालय अनुकंपा के बारे में बैठकें ही नहीं होती, क्यों नहीं होती? मुझे लगता है इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अनेक सारे विषय होते हैं, मैंने पूरे सभी विश्वविद्यालयों को कहा है अगले 8 दिनों के भीतर पूरी सभी अनुकंपा के बारे में बैठकें होनी चाहिए, जो भी मामले आपके सामने हैं वो मामले निपटाने चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों के कार्य में कुछ चुस्ती आनी चाहिए। अभी सुस्त हो चुके हैं, अभी थोड़ा चुस्त बनने का अवसर आया है। सुस्ती हम छोड़ देंगे, चुस्ती लाएंगे। हमको करना है ये, तब जाकर हमारे आने वाली पीढ़ी है हमको दुआ देगी। वो कहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य थे, उन्होंने सबने ऐसे मुद्दे उठाए, इसीलिए हमारा आज कुछ भला हो रहा है। शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ के प्रश्न ऐसे बहुत सारे होते हैं, परीक्षाएं समय पर नहीं होती, क्यों नहीं होती परीक्षाएं समय पर नहीं होती? यहां मुझे, मैंने यहां आकर देखा, मैं वैसे गोवा से आता हूं और गोवा में ऐसी कभी परिस्थिति नहीं आई कि परीक्षाएं नहीं होते। दो दो तीन तीन साल बच्चों को परीक्षा देने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बच्चों के 3 साल 2 साल बिगाड़ने का अधिकार हमको है क्या? उनके जीवन के 3 साल हमने बिगाड़ दिए परीक्षा न होने के कारण। ये बच्चे आगे जाकर हमको दुआ देंगे या शाप देंगे? इन बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का अधिकार हमको बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परीक्षाएं समय पर होने की आवश्यकता है। जिसके लिए मैंने एडमिशन लिया, मेरे अभिभावक भी विश्वास से यहां एडमिशन लेते हैं, उनकी परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए। मैंने यहां आने के बाद सुना कि इतना बैकलॉग है, इतने सेशंस नहीं होते। मैंने कहा ऐसा होता है कभी? मैंने कभी देखा नहीं। परीक्षाएं विलंब से होती हैं, कोविड के समय भी परीक्षाएं विलंब से नहीं हुई। उस समय भी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लिया हम सब ने। मैंने सभी विश्वविद्यालयों के विशिष्ट को कहा है, हमारे यहां भी कितने पीछे है, 6 से 7 महीने। इसको इस वर्ष के पहले, यानी मैंने कहा है कि जून से पहले इन सबको पूरा का पूरा करना है। नो बैकलॉग हेंसफोर्थ, इसके आगे बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि बच्चों ने क्या पाप किया है, क्या दोष है उनका? एडमिशन लेते हैं, परीक्षा समय पर नहीं होती और वो बेचारे सब कुछ भूल जाते हैं, क्या करेंगे? उनके आयुष्य के, उनके जीवन के 2-3 साल ऐसे ही गए और इसी कारण परीक्षाएं नहीं होती। मैं थोड़ा आपका समय ले रहा हूं, मुझे माफ करना, क्षमा करना। विस्तार से थोड़ा बोलने का मुझे अच्छा लगता है आप सबसे, क्योंकि आप विद्वत जन हैं। इसलिए परीक्षा समय पर न होने के कारण हमारे बच्चे बिहार छोड़कर बाहर जाते हैं।
और हम कहते हैं हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं। मैंने देखे, मैं मदुरई भी गया, वहाँ बिहार